दिल्ली के आसपास किसी हॉस्पिटल की घटना है, लेकिन बाकी जगह भी हो रहा है। अब हो क्या रहा है, आपको सबको पता है कि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और जो कोरोना के पेशेंट है उनको इमीडिएटली वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है अगर उनकी सिचुएशन खराब हो जाती है तो। ठीक है, तो हॉस्पिटल में बेड ही नहीं है। अब जब भी आप कॉल करोगे हॉस्पिटल में बेड ही नहीं मिलते हैं। अब बेड क्यों नहीं मिलते पता है, हॉस्पिटल वाले खुद, देखो ये मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, मैंने भी वीडियो देखी है, और इनफैक्ट यूपी सरकार ने हॉस्पिटल खाली करवाए, फेक बेड भरे हुए थे। फेक बेड मतलब सरकार ने क्या कर रखा है, सरकार ने सारे हॉस्पिटल को ये रूल बना दिया कि तुम अपने हर एक बेड की जानकारी दोगे कि तुम्हारे बेड पर कौन है, क्योंकि हर कोई कह रहा है हमारे तो बेड फुल है, हमारे तो बेड फुल है। अरे तुम्हारे बेड फुल है तो फिर उनको रखेगा कौन, तब हर कोई हॉस्पिटल कह रहा है कि हमारे तो बेड फुल है। उन्होंने कैसे फुल किए पता है, फेक कोरोना पेशेंट को एडमिट करके बुला के ले आए, बोले तुझे 500 रुपए देंगे पर डे के, 1000 रुपए देंगे पर डे के, तू एडमिट हो जा, और उसको 500-1000 रुपए कभी देखे नहीं होते, एडमिट हो जाता है। अब खेल क्या, आप जरा समझना, आपको ऐसे क्या फायदा है। तो वो सरकार को दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ तो बेड फुल है ही नहीं, ताकि सरकार की तरफ से दबाव नहीं आए कि चलो इसको एडमिट करो। ठीक है, तो वो दिखाते रहते हैं फुले फुले फुले। अंदर ही अंदर जब हॉस्पिटल में कोई ऐसा अमीर आदमी आता है जो ये कहेगा कि मैं तो एक दिन के 1 लाख देने को तैयार हूँ, 1.5 लाख देने को तैयार हूँ, मुझे बेड दिला दो, मुझे बेड दिला दो, तो उनके लिए ये लोग इमीडिएटली जो फेक बेड भरा हुआ है उसको खाली कराते हैं, और जो 1.5 लाख रुपए दे रहा है उसको कितने दे रहे थे, 500 रुपए पर डे के। अब ये 1.5 लाख रुपए वाला उसको तुरंत कहते हैं तू तो कोरोना नेगेटिव है, घर पे निकल ले। अब जो 1.5 लाख रुपए दे रहा है उसे फीस बढ़ाते हैं, फटाफट उसको शिफ्ट करते हैं उस पुराने बेड पे, ये धोखाधड़ी हो रही है। और ऐसे सुनने में आया कि यूपी सरकार ने एक हॉस्पिटल में 200 बेड खाली करवाए हैं जो फेक भरे हुए थे, मतलब उनको कुछ सिम्टम नहीं थे, वो स्वस्थ थे, भले चंगे थे, उनको 200 बेड खाली करवाए हैं। आप तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर बनो, लेकिन अंदर इंसानियत को मरने मत देना, है ना, इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता देता हूं, ऐसी सिचुएशन में जो भी हॉस्पिटल वाला ऐसा काम कर रहा है वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है। इस गद्दारी को आज तो तुम 4 पैसे गद्दारी करके कमा लोगे, लेकिन ये पैसे तुम्हें कभी भी फलेंगे फूलेंगे नहीं, बर्बाद हो जाओगे, मत करो ऐसा। चेतावनी है, आज ये सरकार सजा नहीं दे पाएगी या कोई और सजा नहीं दे पाएगी, कोई भी सजा नहीं दे पाएगा, ऊपर वाला आपके जो कर्म है ना, ये कुकर्म है, वो गिन रहा है और सजा जरूर देगा, ऐसे कर्मों को छोड़ेगा नहीं ऊपर वाला, इसलिए ऐसा मत करो। और सबको रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करो, अगर कोई ऐसा कर भी रहा होगा तो उसे अपने आप पे शर्म आए और वो ये काम ना करे।